फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा सा डिजाइन। ये बहुत ही सुंदर है, टू रो की डिजाइन है फ्रेंड्स। वाइट कलर में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बन के आता है। वैसे किसी भी हल्के कलर में आप ये डिजाइन बनाएं ना, बहुत ही प्यारा बनकर आता है फ्रेंड्स। और इस डिजाइन को आप टू रो में बना सकते हैं और टू फंदों में ये डिजाइन बन करके कंप्लीट होगा। और ये डिजाइन पैटर्न जो है ना, वो रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो आप जो है बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से फंदे वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे जेंट स्वेटर में ये ज़्यादा सुंदर दिखेगा। जेंट स्वेटर में आप इसे अप्लाई कीजिए, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, शॉल स्टॉल मफलर में, जिसमें आपको ये अच्छा लगे आप इसे अप्लाई कीजिए। लेकिन ये जो है जेंट स्वेटर में काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये डिजाइन, ठीक ना। तो चलिए आपको ये डिजाइन पैटर्न बताते हैं। छोटी बूटी में बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए हमने ये टोटल जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे लिए हुए हैं, ठीक ना। 12 फंदे डिजाइन के हैं और 2 फंदे साइड के एड स्टिच हैं। तो चलिए आपको डिजाइन पैटर्न बताते हैं। तो ये जो बेसिक रो है, फर्स्ट रो, इसे हम सीधा बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। ये फर्स्ट रो बेसिक रो है, इसे आप पूरी रो को इस तरह सीधा बुनाई कीजिएगा। बहुत ही आसान सा डिजाइन पैटर्न है, केवल 2 सलाइयों का है फ्रेंड्स, और इजीली बन जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट रो बेसिक रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए रॉन्ग साइड में अब डिजाइन पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक ना। रो वन राइट रॉन्ग साइड से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट हो। देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करते हैं, आप चाहें तो इसे बुन सकते हैं, ऑप्शनली है। तो फ्रेंड देखिए ऐसे ये 2 फंदे हैं ना, तो देखिए फर्स्ट फंदे को आप छोड़ के सेकेंड फंदे में पहले बुनाई कीजिए, ठीक ना। देखिए सेकेंड फंदे में बुनाई करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद ऊन के धागे को घुमा करके ऐसे सिलाई पे 1 फंदा बना लेंगे, ठीक ना। फिर ये जो है फर्स्ट फंदा, इसके बाद बुनाई करेंगे। तो ये हमारा 2 फंदों से 3 फंदा हो गया। ये साइड का एड स्टिच है, देखिए 1 2 3 फंदा, 2 फंदों से 3 फंदा बना है। अब यही पैटर्न आपको रिपीट करना है। देखिए ये सेकेंड फंदा पहले बुनेंगे हम, फिर ऊन के धागे को घुमा के ऐसे लेंगे, और ये जो फर्स्ट फंदा है ना, इसे फिर बुन लेंगे। इसके बाद स्लिप करेंगे, देखिए सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को घुमा के ऐसे लेंगे, फिर ये फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे। फिर देखिए सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को घुमा के लेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को बुनेंगे। फिर देखिए सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को घुमा के लेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को बुनेंगे। देखिए सेकेंड फंदे को पहले बुनेंगे, फिर उनके धागे को घुमा के लेंगे, फिर ये फर्स्ट फंदे को बुनेंगे। और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम ऐसे उल्टा बुन लेते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए हम राइट साइड आ गए हैं, और ये हमारा डिजाइन पैटर्न का सेकेंड रो है, तो ठीक ना।
टू रो की ही डिजाइन है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, ठीक ना। अब ऊन के धागे को अपनी साइड कीजिएगा, वन फंदा उल्टा बुनाई कीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद ऊन के धागे को बैक साइड ले जाइएगा। अब ये जो टू फंदे हैं ना, तो इसे देखिए टू फंदों का वन कर दीजिए। अब यही आपको रिपीट करना है, ऊन के धागे को अपनी साइड लाइएगा, वन फंदा उल्टा, ऊन के धागे को बैक साइड ले जाइएगा, टू फंदों का वन कर दीजिए। अब देखिए जो हमारे बढ़े हुए फंदे थे वह घट रहे हैं, ठीक ना। उनके धागे को अपनी साइड, वन फंदा उल्टा, टू फंदा सीधा, टू फंदों का वन करना है, ठीक ना। वन फंदा उल्टा, टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, टू फंदों का वन करेंगे, और वन साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए टू रो की डिजाइन पैटर्न ऐसे बन करके देखिए आ रही है। अभी ये मतलब शुरुआत में है, जब ये पूरा बनने लगता है तो बहुत ही प्यारा सा बनकर आता है, ठीक ना। अब इसी पैटर्न को आप रिपीट कीजिएगा। चलिए आपको हम रिपीट करके बताते हैं। देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करते हैं, आप भी स्लिप करना चाहें तो स्लिप कर सकते हैं। फिर देखिए फर्स्ट फंदे को ये छोड़ के सेकेंड फंदे में बुनेंगे, और उनके धागे को ऐसे लपेट के फिर फर्स्ट फंदे बुन लेंगे और स्लिप कर देंगे। ये देखिए रिपीट पैटर्न रो वन है, और ये सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को लपेटेंगे, फर्स्ट फंदे को बुनेंगे, स्लिप करेंगे, सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को लपेटेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को बुनेंगे, स्लिप करेंगे, सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को लपेटेंगे, फर्स्ट फंदे को बुनेंगे, फिर स्लिप कर देंगे, सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को लपेटेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को बुनेंगे और स्लिप कर देंगे। देखिए सेकेंड फंदे को बुनेंगे, उनके धागे को लपेटेंगे, फर्स्ट फंदे को बुनेंगे और स्लिप कर देंगे, और ये साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रिपीट पैटर्न देखिए रो वन कंप्लीट हो गया है। अब ये सेकेंड रो राइट साइड जो है रिपीट पैटर्न का, देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, वन फंदा उल्टा बुनेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद उनके धागे को पीछे की साइड ले जाएंगे, टू फंदों का वन करेंगे। अब देखिए वन फंदा उल्टा, टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, टू फंदों का वन करेंगे। तो फ्रेंड देखिए उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, वन फंदा उल्टा, उनके धागे को पीछे की साइड, टू फंदों का वन करेंगे, और इस साइड का डिस्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेते हैं, ठीक ना। देखिए हम आपको वन से लेके टू रो रिपीट पैटर्न बता दिए। जब फ्रेंड्स आप इसे वन से लेके टू रो रिपीट करेंगे ना, तो ये डिजाइन तो देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा डिजाइन पैटर्न ये इससे बन के आएगा फ्रेंड्स। ऐसे देखिए बहुत ही प्यारा है, राइट साइड है और देखिए ये रॉन्ग साइड है, ठीक ना। देखिए आप इसे बनाइए, आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।